अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? कहता हूँ सब लोग ठीक है, खा रख पी रहे, मजे में हो गया। फाइनली दोस्तों आज आ चुका है मिस्टर मीटू का ऑफिशियल ट्रेलर, जाके देख सकते हो आप कैल पर के चैनल पे। ये ट्रेलर कहूँ या मैं फुल कट सीन कहूँ, ये तो अभी आगे वीडियो में आपको पता लग जाएगा। ये है टीजर ट्रेलर सीरीज का पार्ट नंबर #13। तो पार्ट नंबर #12 आई बटन पे जाके उसको भी देख लेना। चलो चलते हैं, अब वीडियो को लेस बिगिन करते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है, तो खाना पीना ले के साथ में बैठ जाना, ठीक है ना? बाकी चले वीडियो में जंप करते हैं, लेट्स गो। Well, here we are. So, how are you feeling, sweetheart? I don't know if I'm sad or happy, really. Rebecca, the three of us will be together today. How can you be sad? This is the end of one chapter and the beginning of another in our lives. Come on, let's face it as a family. तो गाइस स्टार्टिंग होते हैं हमारी प्रिजन के कट सीन से, जहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है और एक न्यूज़पेपर उड़ के आता है जिसमें मिस्टर मीटू की जो है पिक भी लगी हुई है। ये हमने रिसेंटली टीजर में हमने देखा था, ठीक है ना? ये वही न्यूज़पेपर है। उसके बाद यहाँ पे रिबेका, उसकी मॉम और उसकी छोटी सिस्टर, तीनों की एंट्री होती है यहाँ पे, ठीक है? और वो आपस में बात करने लग पड़ते हैं। रिबेका की मॉम बोलती है कि तुम कैसे फील कर रही हो? रिबेका बोलती है कि मैं बता नहीं सकती मैं खुश हूँ कि सैड हूँ। लेकिन उसकी छोटी बहन बोलती है हम आखिर में हम तीनों एक साथ हैं और तुम सैड क्यों हो? उसके बाद उसकी मॉम बोलती है चलो ये एक चैप्टर का एंड हुआ, एक न्यू चैप्टर की कहानी स्टार्ट हो रही है, तो इसको हम एक फैमिली की तरह फेस करते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर का एक बोर्ड दिखाया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, मैंने जैसे आपको कहा था मेरी थ्योरी कंफर्म हो चुकी है, ये कट सीन ही है, मैंने आपको पहले ही बोला था। बाकी की स्टोरी देखते हैं अगर आगे क्या है। हेलो लेडीज, रिबेका, इज इट यू? How grown you are already. Yeah, several years have passed since then. 8 or 10 years now. Time flies. You are Anthony? Oh, thanks for rescuing my daughter. I will never be grateful enough. Oh, don't worry. I was just doing my job. Thank you. Thank you. Thank you 1,000 times. Oh, because you're a bounty hunter, right? Who is that girl you tried to rescue? Amelia, right? तो आगे की स्टोरी हमारी यहाँ से कंटिन्यू होती है, जहाँ पे ये तीनों लोग रिबेका, उसकी मॉम, सिस्टर पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे उन लोगों को मिलता है एंथनी, जो है हमारी पिछली गेम के शायद से मेन करेक्टर रह चुका है, क्योंकि मैंने पिछली गेम नहीं खेली है तो मुझे इतना नहीं पता है। बट ये एंथनी है, इसी ने रिबेका को सेव किया था। और उसकी मॉम एंथनी से कहती है बहुत बहुत 100 times 1,000 times शुक्रिया है उसकी बेटी को बचाने के लिए। बट एंथनी कहता है मैं बस अपनी जॉब कर रहा था। तो यहीं उसकी सिस्टर, रिबेका की सिस्टर कहती है कि तुम बाउंटी हंटर हो ना, तुम्हें किसने ट्रेन किया था? शायद से एमिली ने। कहाँ है वो गर्ल? उसके बाद की जो स्टोरी अभी हम जानते हैं। One, two, and three. Good afternoon, everyone. Oh, good afternoon, Susan. Dr. White, you are very elegant. Have you noticed my new bow tie? Good evening, young ladies. Drink one of these. It will help you through this difficult time.
Oh, thanks. It's my pleasure. Look, that's Amelia. I will go say hello. Sit here, if you want. Well, well, everything is ready. Ladies and gentlemen, you can enter in an orderly manner. Keep quiet. चले गाइस, आगे की कटसीन में बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बंदा जिसका एक हाथ आम है और एक हाथ जो है मैकेनिकल है, वो पूरे 3 ग्लास जूस के गिन के 1, 2, 3 इन यंग लेडीज़ को ऑफर करता है। पर उससे पहले डॉक्टर वाइट जो सूजन यार के रिबेका की मोम से बात करना शुरू कर देता है। यहाँ पे रिबेका की मोम कहते हैं, डॉक्टर वाइट तुम कुछ चेन से लग रहे हो। तो डॉक्टर वाइट कहते हैं, शायद से तुमने मेरी जो बो टाई नोटिस की, इसलिए मैं चेंज लग रहा हूँ। यहाँ पे ये बंदा जो हमारा मेन करेक्टर है, शायद जिसका हाथ मैकेनिकल है, ये इन 3 करेक्टर्स को जूस ऑफर करता है और बोलता है, ये पियो, ये तुम्हारे इस मुश्किल वक्त में अच्छा तुमको फील कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे सब जूस ले लेते हैं। इसके बाद जो है रिबेका की सिस्टर, छोटी सिस्टर कहती है, ये है एमली। रिबेका कहती है, मैं इससे मिल के बात करके आती हैं। तो आगे का कटसीन क्या है देखते हैं यहीं से। और ये जो बंदा है कहता है, सब कुछ रेडी है, चलो अभी चलते हैं यहाँ से, देखते हैं। Please. How did we end up this way? एक्सप्लेन करता हूँ, सब जाके बैठ जाते हैं चेयर्स पे, सामने एग्जीक्यूट करने वाले अब मिस्टर मीट को, तो जो कि यंग मिस्टर मीट है। यहाँ पे खिड़की पे जैसे ही सब बैठते हैं ना, तो रिबेका की मॉम रोने शुरू कर देती है। उसके बाद यहाँ पे एक खिड़की पे एक बंदा दस्तखत देता है, जिसका हाथ मैकेनिकल है। उसके बाद वो चालू कर देता है इलेक्ट्रिसिटी को, जिससे वो करंट के झटके लगने शुरू हो जाते हैं मिस्टर मीट को। लेकिन मिस्टर मीट इतना पावरफुल है कि वो झटके बर्दाश्त कर लेता है और उससे हेलमेट को उतार देता है वहाँ से, और वो सब कुछ तोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद वो हंसने लग पड़ता है। उसके बाद थोड़ा सा हमारे यहाँ पे अंधेरा आ चुका है। साइड पे छोटी स्क्रीन में हमको दिखाया जा रहा है कि हम प्रिजन में गाइस भाग रहे हैं। यही है हमारा प्रिजन, लुक लाइक आइसक्रीम की तरह ये भी पजल लग रहा है। तो 15 जुलाई को ये गेम आने वाला है। कौन कौन रेडी है बताना मत भूलना। आई नो कि वीडियो लंबी भी हो चुकी है और डिले भी हो चुकी है, बट वीडियो की क्वालिटी देना था इसलिए डिले हो चुकी है। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कर देना। मुझे पता है कोई भी एक बंदा नहीं देखने वाला वीडियो को, फिर भी मैं बनाता हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ, आप सब सपोर्ट करो। अगर नहीं करते तो मुझे नहीं लगता तो ये चैनल चलाने का कोई फ़ायदा है, इसलिए मैंने अपना न्यू चैनल खोल रखा। उसका लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन पे, कमेंट, आई बटन में सब जगह मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर लेना। यस भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अपने अगली क्वालिटी कंटेंट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइस।